हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा। गाइस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021 का जो एग्जामिनेशन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आंसर की के बारे में। दिस आंसर की इज मेड बाय द टॉपर्स एंड वी आर 100% श्योर अबाउट आंसर की। ऑल द आंसर्स आर मार्क्ड वेरी वेरी करेक्ट एंड आफ्टर अ डीप एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस। दिस इज योर सेट ए एंड वी आर फ्रॉम स्टडी फंडा एंड इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एग्जामिनेशंस। सो आई वॉन्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट। More than 50 questions are directly from our Study Funda course, which we launched in previous months during the preparation time of CAPF Assistant Commandant. So a detailed video will be uploaded later for that. Okay, so you can see more than 50 questions are directly from our source and we'll upload a video for sure. So चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको directly question बताऊंगा, उसके बाद उसके directly answers जो है हम आपको उसके दिखा देंगे, ठीक है। काफ़ी एग्ज़ाम के अगर एनालिसिस की मैं आपको पहले बात बताऊं तो एनालिसिस जो मेरा एनालिसिस है जो मैंने देखा है वो ये है, क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं थे, इजी टू मॉडरेट जो है आपका एग्ज़ाम में बोलूँगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे, डेफिनेटली उनका जो है सोर्स आपने जो रेफ़र किए होंगे वहाँ से वो आए नहीं थे, बट एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम मैं इसको बोलूँगा। और इजली जिसने अच्छे से मेहनत करी होगी तो इस एग्ज़ाम के अंदर 140 मार्क्स जो है आसानी से आप स्कोर कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो आएगा आंसर बी, अबाउट 3300 मीटर जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आएगा 0.4, जो कि डी ऑप्शन आपका है। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज आर यूज फॉर कुकिंग फूड, इन्फ्रारेड एंड माइक्रोवेव रेडिएशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए चौथा क्वेश्चन आएगा 5 सेंटीमीटर एंड कन्वर्जिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, तो सेल वॉल जो है वो एनिमल में जो है नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर होगा आपका सी। नाइन का होगा आंसर नंबर सी। टेन का होगा आपका आंसर सी। इलेवन का होगा आपका आंसर डी। ये वो क्वेश्चन है जो हमने बिल्कुल प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई किया है, और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर जो है हम इन क्वेश्चंस का विद सोर्स भी डालेंगे, ठीक है, कि कौन सी बुक से जो है क्वेश्चंस आपके आए हैं। और नेक्स्ट सीएपीएफ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीएपीएफ 2022 के लिए, उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो तब तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। 12th का आंसर आएगा आपका आंसर बी, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 13th का आपका आंसर आएगा नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन जो है CISF-AC 2020 एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि कुछ पेपर जो मैंने आपको बताए थे CISF का बताया था, CDS-NDA का बताया था, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो CISF का क्वेश्चन डायरेक्टली इन्होंने CAPF के अंदर भी पूछ लिया है, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एनालिसिस। 14th का आपका आंसर आएगा बी। 15th का आंसर आएगा आपका डी, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर जो हमने सीरीज बनाई थी उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ, तो बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा आपका डी। 17 का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा वायलेट, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 19th का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर डी। 20th का आंसर आएगा आपका आंसर सी, ठीक है। 21 का आपका आंसर आएगा आंसर ए। 22nd का आपका आंसर आएगा आंसर सी। 23rd का आपका आंसर आएगा सी। 24 का ए। 25 का ए। 26 का डी। 27 का डी। 28 का बी। 29 का ए। 30th का डी। 31st का डी। 32nd का सी। 33 का ए। अब यहाँ पे 32nd क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा डाउट है, ये वेरीफाई आपको एक बार करना पड़ेगा। बाकी आंसर इसका सी होना चाहिए हमारे हिसाब से, बाकी आप एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो इस क्वेश्चन पे हमें थोड़ा सा डाउट है। 33 का ए, 34 का बी ए आपका आएगा, ठीक है। 35 का बी, 36 का डी, 37 का सी, 38 का डी, 39 का सी, 40th का सी,
41st का ए, 42nd का डी, 43rd का ए, 44 का सी, 45 का ए, 46 का सी, ठीक है, 47 का आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, 48 का सी, 49th का सी, 50th का आपका आंसर सी, 51 का ए, 52 का बी, 53 का सी, 54 का बी, 55 का डी, 56 का बी, 57 का आपका होगा आंसर डी, इन्फ्लेटरी गैप, 58 का ए, 59 का बी। अब इस क्वेश्चन पे भी डाउट है थोड़ा सा, ये दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाउट था, तो इसका आंसर वैसे तो बी आना चाहिए, बट स्टिल आप एक बार इसको वेरीफाई जरूर करेंगे एक बार, और कमेंट में आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये क्वेश्चन 100% श्योर है तो आप, ठीक है, ताकि औरों का बेनिफिट हो सके। 59 का थोड़ा सा डाउट है, 60th का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर करेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, 61st का आपका सी, 62 का आपका बी। ये डायरेक्टली हमारी मैपिंग कोर्स की जो हमने वीडियो बनाई थी, एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा गाइस, फ्री मैपिंग कोर्स हमने एक बनाया था सभी बच्चों के लिए, 38 लेक्चर्स वहाँ से हमने कवर किए हैं, उनमें से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिले होंगे इनके अंदर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे मैपिंग सीरीज के अंदर से डायरेक्टली आसानी से, अभी डाला था तो 4-5 दिन पहले ही वीडियो डाला था इसका, ठीक है। 63 का है आपका ऑप्शन ए, इंडियन एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी पेज नंबर 74 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। 64 का आपका आएगा बी, ये न्यूज़ जो है दिसंबर 2020 के अंदर थी, इसको जो है एक रामसार साइट का जो है टैग मिला है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 65 का ऑप्शन सी, 66 का है आपका ऑप्शन डी, 1368 के अंदर जो है फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं स्टोरी जो है आपकी कुतुब मीनार के ऊपर लगवाई थी, काम शुरू किया था इल्तुतमिश ने। 67 का है ए, ठीक है। 68 का है सी, इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा इसमें डाउट है, ये भी एक बार वेरीफाई कर लेना, 68 ये तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाउट था हमें, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार वेरीफाई कर लेना, आंसर या तो बी होगा या सी होगा, ठीक है, हमने अपनी तरफ से सी लगाया, बाकी आप बताना कमेंट में कमेंट करके क्या है। 69 का है आपका ए, डायरेक्टली थीम का क्वेश्चन है, थीम 3 से आया है, पेज नंबर 413 से। 70th का ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 71st का भी ए आएगा आपका, 72nd का आपका आएगा बी, ठीक है, 73rd का ए, 74 का सी, 75 का डी, 76 का सी, 77 का बी, 78 का डी, 79 का डी, 80th का डी, 81st का फेमाइन, ठीक है, 82 का सी, मिनिमम स्पॉट प्राइस। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन जो है, ये बहुत छोटा सा आप कंसेप्ट अगर इसमें लगाते, इतना सारा हल्ला चल रहा है, किसान आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं, मिनिमम स्पॉट प्राइस एमएसपी के लिए तो लड़ाई चल रही है, ठीक है। 83 का आपका बी, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमने एक इमेज पोस्ट किया था, क्विक इन्फो वहाँ से आया है। 84 का ऑप्शन ए, अब ये देखो ये माइंड वाला क्वेश्चन है छोटा सा, अब देखो मैंने एक वीडियो डाला था किस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन आपको नहीं आता तो भी आप सोल्व कर दोगे। मुझे इसमें जो है मान लीजिए कोई भी ऑप्शन नहीं पता, बट मुझे पहले का पता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होती है जो कि सदाबहार रहती है, पूरी हरी भरी रहेगी, बहुत ऊंचे ऊंचे हैवी पेड़ उसमें होंगे, उसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है द सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल, तो यहीं पर आपको डाउट हो जाना चाहिए कि यार रेन फॉरेस्ट में जो है बिल्कुल फर्टाइल जो है सॉइल होगी, तभी तो जो है इतने बड़े बड़े पेड़ उसमें होंगे, अलग अलग वनस्पति वगैरह होंगे। तो ऑप्शन ए अगर यहाँ पे आप एलिमिनेट करते हैं इसका, तो तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 84 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, इसका आंसर है डी आपका, ठीक है। 86 का आपका आ जाएगा बी, 87 का आपका आ जाएगा ऑप्शन बी आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है, ये भी थोड़ा सा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन था। 88 का आपका आंसर है डी, 89 का है आपका डी, 90th का है आपका सी, 91st का आपका है डी, 92nd का आपका है सी, 93rd का आपका डी, 94 का भी डी, 95 का बी,
96 का ए, 97 का बी, 98 का ए, 99 का डी। डायरेक्टली मैपिंग कोर्स से सोल्व कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, करवाया था हमने, ये भी मैपिंग कोर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है। तो चार क्वेश्चन आपके हो गए अभी तक, ठीक है। 99 का डी आएगा आपका वेस्टर्न घाट्स, 100 का आपका सी आएगा, 101 का आपका आएगा कोलकाता, ये भी बिल्कुल सही है सी ऑप्शन, ये भी डायरेक्टली मैपिंग से आपका हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपका मैपिंग सीरीज से ही हो जाएगा, बराक रिवर ऑप्शन ए। 103 का आएगा आपका डी, 104 का आपका आएगा बी। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था, इसमें फर्स्ट ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पाते तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाता, ठीक है। 105 का आपका आएगा बी, अस्थेनोस्फेयर मेंटल के अंदर जो होता है आपका। 106 का आएगा आपका सी ऑप्शन, 107 का आएगा आपका बी ऑप्शन। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड आवर स्टडी फंडा नोट्स, थीम्स एनसीईआरटी का पेज नंबर 327 है, थर्ड थीम का, उससे डायरेक्ट आए ये क्वेश्चन। 108 का सी, 109 का ए, ये वेरीफाइड क्वेश्चन है बिल्कुल, ए आंसर इसका। 110 का आपका डी, ऊपर वाले तीन कबीर, नानक और दादू जो है वो निर्गुना पोइट थे और ये सगुना पोइट है चैतन्य महाराज, ठीक है। 111 का आपका आएगा सी, इंडोनेशिया, ये भी हमने कवर करवाया है क्विक इन्फो के अंदर। 112 का आएगा आपका इथेनॉल, 113 का आएगा आपका रायमोना, ये भी हमने मैपिंग सीरीज में कवर कराया था, उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था और आपसे बताया भी था कि रायमोना नेशनल पार्क जो है वो लेटेस्ट नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, एनवायरनमेंट डे के दिन। 113 का ए आएगा आपका रायमोना, 114 का डी, 115 का सी, ये डायरेक्टली हमारे स्टडी फंडा करंट अफेयर से था क्वेश्चन। साइक्लोन ताकती, ये भी डायरेक्टली हमारे नोट से था, म्यांमार इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। 117 का ए आंसर आएगा आपका, वेरीफाइड है। 118 का डी आंसर आएगा, ये भी वेरीफाइड है, सभी वेरीफाइड है वैसे तो। 119 का आएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ए ऑप्शन। 120 का आएगा सी ऑप्शन, 121 का आएगा बी ऑप्शन, 122 का आएगा ए ऑप्शन, 123 का आएगा स्वास्तिक बी ऑप्शन, 124 का आएगा सी ऑप्शन और 125 का आएगा ए ऑप्शन, ठीक है गाइज। तो ये थी फाइनल आपकी आंसर कीज। इसका जो पीडीएफ आपको, जो ये वाला जो पीडीएफ आपका है, ये आपको मिल जाएगा हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इन फ्यूचर के लिए भी जो है काफ़ी हेल्प आपको रहेगी प्रिपरेशन के अंदर। CAPFAC 2022 का कोर्स जो है हमारा वो बहुत जल्द शुरू हो रहा है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, ताकि इन फ्यूचर जितने भी कोर्स वगैरह आते हैं सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और CDS का कोर्स भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, आफ्टर द फाइनली सक्सेस ऑफ आवर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट कोर्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे भारत। अपने मार्क्स जो है आप जरूर कमेंट में करके बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। थैंक यू सो मच।